अर्जुन पटियाला देखने से पहले अपना इंश्योरेंस जरूर करवा लें, क्योंकि हंसते हंसते आपकी जान जा सकती है और ये हंसी आपको फिल्म पर नहीं खुद पर आएगी। दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री है। शुरुआत से लेकर अंत तक आपको समझ ही नहीं आता कि मर्डर आखिर किया किसने। नहीं समझ आया? सुनो, कहानी ये है कि एक राइटर ने दारू पी ली, फिर भंड होके आप हम जो सब कुछ बोलते हैं वो सब कुछ उसने एक रफ रजिस्टर में लिख लिया, फिर प्रोड्यूसर के पास गया। प्रोड्यूसर न जाने किस चीज़ पर हाई थे कि वो पैसा लगाने को राजी हो गए, और इसी तरह इन्हें एक डायरेक्टर भी टकरा गया। कहानी आगे बढ़ी और फिल्म बनी। शुरू के आधे घंटे में ही स्क्रिप्ट की हत्या हो गई। फिल्म के लास्ट तक आप हाथ में अपना टिकट देखते बैठे रहेंगे, मगर मजाल है कि आपको समझ आए आखिर स्क्रिप्ट की हत्या किसने की। आप टिकट से नज़र उठाते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं जिंदा क्यों हूँ अभी? लेकिन फिर आपको आयुष्मान खुराना की आवाज़ में डायलॉग सुनाई देता है, हत्या तो आपकी हो चुकी है ऑलरेडी, बस आपको पता नहीं है। अर्जुन पटियाला में अकेली चीज़ जो सही है वो है दिलजीत दोसांझ। भाई हमारा इन्ना क्यूट है, इन्ना सेट है, उसकी कॉमिक टाइमिंग भी इतनी सही है, मगर वो वेस्ट हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भाई को लोग खराब फिल्मों का ज़बरदस्त एक्टर बोलने लगेंगे। उड़ता पंजाब छोड़ दें तो बंदे की सारी फिल्मों का यही हाल है। इतना सही एक्टर है यार, लोग इसे ढंग की फिल्में क्यों नहीं दे रहे? कृति सेनन अर्जुन पटियाला में वही कर रही हैं जो वो बहुत अच्छा करती हैं, यानी खूबसूरत दिखना। लेकिन बेब, दिक्कत ये है कि खूबसूरत कृति देखने के लिए तो हम फोटो भी देख सकते हैं ना, या फिर गाने, तो फिर फिल्म में क्यों बर्दाश्त करें? वरुण शर्मा अपनी जगह सही है, मगर वो जगह क्या है ये फिल्म में डिफाइन ही नहीं है। और जय हो स्क्रिप्ट विनाशक, एंटरटेनमेंट हरता, एक्टर हंता प्रभु डायरेक्टर रोहित जुराज की। अच्छा खासा टैलेंट लेकर बेस रिपेयर की फिल्म बनाने के लिए जो टैलेंट चाहिए वो भाई में भरपूर है। रिसेंट टाइम्स में पंजाबी फ्लेवर वाली ये शायद पहली फिल्म होगी जिसमें एक ढंग का गाना नहीं है। लेकिन सीरियसली, ये फिल्म स्टाइल में बहुत अच्छी है, और इस स्टाइल के साथ कितनी बेहतरीन कॉमेडी बन सकती थी। मगर अब जो हुआ सो हुआ, क्या कीजिएगा। कुल मिलाकर अर्जुन पटियाला में बस एक ही चीज़ देखने लायक है, दिलजीत दोसांझ। मेरी तरफ से अर्जुन पटियाला को 2 स्टार्स।